हेलो प्रिंस, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो बीपीएससी का जो आपका TET 3.0 का फॉर्म फिलअप हो रहा था, वो ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी फॉर्म फिलिप गोइंग ऑन है, और साथ ही साथ उसका फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो भी एक्सटेंड हो गया। उसका भी मैंने सेपरेट एक वीडियो बना करके मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर आपको जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि कितनी वैकेंसी पर मतलब कितना वैकेंसी आया हुआ है। साथ ही साथ आपको ये भी कन्फ्यूजन था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वैकेंसी है। देखिए, आज अगर आप इसके ऑफिशियल साइट को सर्च कीजिएगा, विजिट करिएगा, तो आपको सारा कुछ आपको पता चल जाएगा कि कितनी जो है आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर इसको देखते हैं, इम्पोर्टेंट नोटिस, तो और इसको जो है वो डाउनलोड करते हैं इस नोटिफिकेशन को, तो यहाँ से आपको जो है वो देख सकते हैं कि लगभग लगभग यहाँ से आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग जो है वो 87,774 सीटों की संख्या जो है पर मतलब इस पर जो है वो बहाली आपकी होगी। ठीक है, तो ये आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन हो गया। और इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं और देखिए, और इसमें आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ देखिएगा तो देखिए, आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपका यहाँ पर वैकेंसी भी आपको अलॉट कर दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज 1 to 5, क्लास 6 to 8 जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके ऑफिशियल साइट पर विजिट करिएगा। देखिए डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज फॉर द एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप क्लास 1 to 5 में क्लिक करिएगा, यहाँ पर देखिएगा क्लास 1 to 5 में क्लिक करिएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि जो है आपका कौन कौन से जो है आपके ज़िले में कितनी वैकेंसियाँ है। ठीक है, उसके बाद इसी टाइप से अगर आप देखना चाहते हैं 6 to 8 में कितनी वैकेंसी है, तो इस टाइप से आप भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद आप इसी टाइप से देख सकते हैं क्लास 9 to 10 में कितनी वैकेंसी है। ये हो गया आपका, और इसी टाइप से आप देख सकते हैं क्लास, ये आपका स्पेशल स्कूल टीचर्स का है, और फिर आपका क्लास 11 12 में भी आप देख सकते हैं कि कितने क्या सीटें हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि कितने सीटें। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है और आप अप्लाई करने वाले हैं, तो ये सब डाटा आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप देख सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितने सीटें अलॉट है। बाकी जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनके पास तो ये डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी आजकल में फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो आप एक मनपसंद डिस्ट्रिक्ट देख करके जो है अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग आप जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैं सोचा कि आपको बता दूँ। बाकी मैं सारा PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो आपको इसके ऑफिशियल साइट पर भी जा करके जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारे डाटा आपको पता चल गया, बस आप जो है वो जल्दी से अच्छे से तैयारी कीजिए, और एग्ज़ाम भी आपको जो है इसके मार्च में होने हैं, तो बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, तो अच्छे से तैयारी करिए और अपना एक सीट रिजर्व करिए और एक सिलेक्शन लीजिए। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इस सारे PDF में शेयर कर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।